वर्दी का फैन भाई रे, था आर्मी की वर्दी का फैन भाई रे, उड़े पोचा जरा आना जाना बैन भाई रे। आप सबको प्रणाम नमस्ते। पूरे परिवार को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि आपने अपने बेटे को देश सेवा में भेजा, और उस बेटे को भी सैल्यूट है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मैं थोड़ा देरी से पहुंचा हूं, माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि खाप ने, गांव ने, परिवार ने क्या क्या फैसले लिए हैं, लेकिन जो भी फैसले लिए हैं उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं तन, मन और धन तीनों से तैयार हूं, जैसा आप आदेश अपने बेटे को करोगे। क्योंकि कलाकार होने के नाते अगर मैं कहूं तो मेरे को कलाकार बनाने में मेरी खाप के लोगों का, मेरे गांव का, मेरे सुनने वालों का, किसान परिवारों का और चाहने वालों का सबसे बड़ा हाथ है। और प्रदीप भाई भी उन्हीं परिवारों के बीच में से गया है, तो जब वो देश खातर इतना कर सके तो हमारी जो भी जिम्मेदारी बनेगी, जो भी आप जिम्मेदारी लगाओगे, जो भी फैसला खाप लेगी या पंचायत या परिवार लेगा, मेरी खुद की निजी इच्छा थी कि भाई के नाम से एक पुस्तकालय गाँव में बने, और उस पुस्तकालय में जो पहली लागत होगी वो जो भी खाप और परिवार आदेश करे मैं जरूर करूंगा कोशिश उसके लिए। दो लाइन कलाकार के नाते भाई के लिए लिखी है, हालांकि कलाकार होने की जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊंगा कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्री कोई फिल्म बना पाए। मैंने पहले भी कहा था, सुशील भाई ने जब जानकारी भाई के बारे में बताई, हम सिर्फ ये सुन लेते कि एक फौजी शहीद हो गया, उसके शहीद होने से पहले की जो कहानी थी मुझे नहीं पता कि ये बातें उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, आर्मी के प्रोटोकॉल के हिसाब से शेयर करनी कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उसने इतना बड़ा जिगरा उसमें था। हम आपस में जब आपने देखा होगा, खासकर अपने गांव में दो कुंबे का अगर रोड़ा हो जाए, दो कुंबे की आपस की लड़ाई हो जाए, तो कल्ला आदमी दूसरे कुंबे वाले की गली में नहीं जाता, नूडल लागे कदे अगले के पांच जने आ जाए, कदे अगले के छह जने आ जाए। हम उसमें भी देख देख के लग रहा, अपने अपने गांव में भी, वो दूसरे देश में जाकर, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने भी पता है कि किस देश में जाना पड़ सके है, दूसरे देश में जाकर एक महीना रहा, देश बदल कर रहा, नाम बदल कर रहा। और ऐसे देश में जानू दे रहा है कि एक बार अगर पकड़ा गया तो सीधी मौत है, हथेली पे मौत लेके वो गया था। बहुत सारी उसकी कहानी है, कोशिश करूंगा कलाकार होने के नाते आने वाले टाइम में बहुत जल्द किसी कविता के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या गाने के माध्यम से आपके बीच में जाऊं, लेकिन चार लाइन आज जरूर सुना कर जाऊंगा। वो तो था आर्मी की वर्दी का फैन भाई रे, था आर्मी की वर्दी का फैन भाई रे, उड़े पोचा जरा आना जाना बैन भाई रे, पैरा सूट का कमांडो हो गया देश पे शहीद, नाम प्रदीप गोतलेन भाई रे। तो भाई के लिए बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जीवन गाथा और उसकी शहादत का जो किस्सा है वो आप सबके सामने लाया जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी और मेरे युवा साथी सीख सके कि देश के लिए कुर्बान होना, देश के लिए जान देना और देश के लिए समर्पित होना कितनी बड़ी बात है। और उससे एक संदेश युवा को ये भी जाए, जो आज के टाइम में युवा नशे की तरफ जान लग रहा है, हमारे बालक नशे की तरफ जान लग रहे हैं, सिर्फ जिंदगी में यही स्कोप नहीं है कि हम उसी तरफ जाएं, जिंदगी में यही स्कोप नहीं है कि हम नशा करार माँ बाप का नाम खराब करा। आपने बहुत गम में देखा होगा, रोज की मौत हो रोज की, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि नशे वाली मौत पे इतने लोग इकट्ठे हो, खाप इकट्ठी हो, परिवार इकट्ठे हो। हर आदमी ये सोचता है कि भाई पिया करता मरना ही था, भाई नशा करा करता मरना ही था। कुछ अच्छा काम अगर देश के लिए करके जाएंगे तो ये परिवार, ये खाप, ये गांव, ये हरियाणा, ये देश हमेशा याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे लाडले भाई प्रदीप नैन को, जहां से भी आवाज सुन रहा हो, पूरे हरियाणा की तरफ से और पूरी बिनैन खाप की तरफ से सैल्यूट है, शहादत को नमन है, धन्यवाद।